हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज अप। मेरा नाम है राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर की। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहली न्यूज़ है कि भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना। ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे और इनको इससे पहले बंगाल का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये एक प्रकार के पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है ना। दूसरा करंट अफेयर है कि कोविड वैक्सीन की जो खुराक लगाई जा रही है, इस मामले में अन्य देशों की तुलना में भारत क्या है, तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले यूएस और यूके क्या है, पहले और दूसरे स्थान पर है। यदि हम बात करें रेलवे मंत्रालय की, तो केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने यह बताया है कि 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाया जाएगा। ऐसे उन्होंने क्या किया, घोषणा की है कि 2030 तक ऐसा हो जाएगा, जो रेलवे है वो प्रदूषण रहित बन जाएगा। फिर हम बात करें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एस एन सुब्रमण्यम को क्या क्या बनाया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो ये सुरक्षा परिषद के चेयरमैन बने हैं। यदि हम बात करें ब्लूमबर्ग की, तो ब्लूमबर्ग क्या होता है, ये इनोवेशन पर अपना इंडेक्स जारी करता है। तो ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है 2021 के लिए। इस इनोवेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत क्या है, 50वें स्थान पर है। भारत ने 4 स्थानों का सुधार किया है। यदि हम बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है, ठीक है ना। और चाइना ने कि क्या हुआ, कुछ इस इंडेक्स में कुछ गिरावट आई है ना। यदि हम बात करें है ना जम्मू एंड कश्मीर की, तो केंद्र ने 18 महीने बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया, 4G सेवा को बहाल कर दिया है। ये 2019 में 370 हटने के तहत क्या हुआ था, इसको हटा दिया गया था, है ना, 4G सेवा को। तो अभी 18 महीने बाद क्या है, फिर से जम्मू एंड कश्मीर में 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर क्या, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यदि हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 7 फरवरी को क्या किया, 4700 करोड़ की परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये जो परियोजना है, 4 बुनियादी ढांचों की परियोजना है ना। और पीएम मोदी ने इस योजना को या इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। फिर हम बात करें नासा, जो कि क्या है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा ने मार्स आइस मैपिंग मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन क्या है, आने वाले समय में मार्स पर जो मानव को भेजने की प्लानिंग है, उसमें कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये मददगार साबित होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा आज का करंट अफेयर। इसमें कुछ नेशनल न्यूज़ थी, इंटरनेशनल न्यूज़ थी। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल पर सभी यूपीएससी के वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना, आपको इन्वायरमेंट है और इकोसिस्टम है, या फिर आपको हिंदी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस भी इस पर आपको मिलेंगे, फ्लुएंट इंग्लिश के वीडियोस आपको मिलेंगे। यदि आपको ऑनलाइन तमिल सीखनी हो हिंदी के थ्रू, तो वो भी आपको इस वीडियो पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, जो कि पूरी तरीके से फ्रीली अवेलेबल है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।